नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में उमस भरी गर्मी से बढ़ी लोगों की मुसीबतें, मौसमी बीमारी के होने लगे शिकार, अस्पताल में बढ़े मरीज। बिहार में मॉनसून की मार से किसानों में मची हाहाकार, पंप सेट चलाकर धान की रोपनी करने को विवश हुए अन्नदाता। भागलपुर की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, मरीजों की बड़ी परेशानी, जाने क्या है मामला। बिहार में अक्टूबर में होगा नगर निकाय चुनाव, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिए संकेत। पटना नगर निगम ने कचरा उठाव के लिए शुरू की नई सुविधा, जारी किया गया नया टोल फ्री नंबर। बिहार के विश्वविद्यालयों को सितंबर तक मिलेंगे 1400 सहायक प्राध्यापक, जल्द होगी मेरिट लिस्ट जारी। बिहार में उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मौसम की मार से बड़ी संख्या से लोग बीमार हो रहे हैं। इस मौसम में विशेषकर चक्कर, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत, माइग्रेन, उल्टी, दस्त और पेट दर्द की काफी शिकायत मिल रही है। डीएमसीएच, पीएचसी व निजी क्लिनिकों में इस तरह के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इन 10 दिनों में 10 में 3 मरीज मौसमी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएमसीएच, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र आधी जगह प्रतिदिन 1378 के लगभग रोगी इलाज कराने पहुँच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक चर्म रोग, चक्कर, बेहोशी व सांस रोग, सर्दी एवं खांसी के मरीज हैं। गर्मी बढ़ते ही मौसमी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें डायरिया, त्वचा, लू लगना, पानी की कमी, फूड पॉइजनिंग आदि बीमारी शामिल है। आषाढ़ का महीना बीतने को है, लेकिन मॉनसून की दगाबाजी ने किसानों को संकट में डाल दिया है। बारिश के अभाव से जहां पटवन का खेती की गई है, वहीं धान के फसल पीले पड़ने लगे हैं। बिहार में बारिश नहीं होने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, खेतों में धूल उड़ रहे हैं। अगर धान की बुआई की बात करें तो नरकटियागंज अनुमंडल के 5 प्रखंड क्रमशः नरकटियागंज, गौनाहा, लौरिया, सिकटा और मैनाटाड़ में हजारों हेक्टेयर खेत में धान की बुआई बारिश के अभाव से नहीं हो पाई है। किसान ऐसे तैसे पंप सेट चलाकर धान की रोपनी करने को विवश है। राजपुर मठिया के किसान बालचंद्र मिश्र, अखिलेश मिश्र, मोहर यादव, मटेरिया के किसान दीपू मणि तिवारी समेत अन्य किसानों ने बताया कि उन्होंने किसी प्रकार पंप सेट से पटवन कराकर धान की रोपनी कर ली, लेकिन अब खेतों में दरार पड़ने लगी है। वे करे तो क्या करे। बता दें कि समय से पूर्व मानसून की दस्तक से किसानों में खुशी थी, लेकिन आषाढ़ महीना बीतने की ओर है और मानसून रूठ गया है। मेल नर्स तपन को निलंबित करने के विरोध में JLNMCH भागलपुर की नाइट शिफ्ट की सभी 80 नर्स रात 11 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। अधीक्षक कार्यालय के बाहर रात से लेकर मंगलवार को भी धरना पर बैठी नर्सों का कहना है कि जब सब कुछ ठीक हो गया था, फिर क्यों अधीक्षक ने एक तरफा कार्रवाई की। उनका भी मान सम्मान है। नर्सों का कहना है कि चिकित्सक उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार करते हैं, पर कभी भी चिकित्सकों के साथ कार्रवाई नहीं की जाती है। मंगलवार को भी अधीक्षक से वार्तालाप विफल रहा। अधीक्षक कार्यालय के सामने नर्स धरने पर बैठी रही। नर्सों के हड़ताल पर रहने और वरीय चिकित्सक के गायब रहने से मरीजों में तबाही है। सोमवार को अस्पताल में इलाज के लिए आई सुल्तानगंज की रीना तड़प रही थी। पेट दर्द से वो परेशान थी, पर कोई सुनने वाला तक नहीं था। इधर नर्सों का आरोप था कि वो ए ग्रेड नर्स है और उनको निलंबित करने का अधिकार अधीक्षक को नहीं है। इस बीच बरारी थाना की पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं मानी। बिहार में नगर निकाय चुनाव अक्टूबर में हो सकता है। निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह संकेत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिया है। राज्य में नगर निकाय के चुनाव सितंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगस्त तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सितंबर से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में किसी भी तारीख को नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। पटना शहर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपके गली मोहल्ले में कचरे का ढेर जमा हो गया है, तो अब आप फोन करके नगर निगम को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के कुछ घंटों बाद कचरा उठाने वाली गाड़ी आकर कचरा उठाएगी। इसके लिए नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 155304। पटना के कुछ हिस्सों में कचरा उठाव की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर नगर निगम ने अब नई व्यवस्था के तहत
टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है, जिस पर लोग फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शहर के वार्डो में कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए यह नई व्यवस्था तैयार की गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए वार्डो में जाने वाले कचरा कलेक्शन के गाड़ियों को GPS तकनीक से भी ट्रैक किया जा रहा है। यानी कि अब कचरा उठाव में इस्तेमाल होने वाले गाड़ियों की गतिविधियां पर नजर रखी जाएगी। इन गाड़ियों के एक एक मिनट का हिसाब लिया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सितंबर माह तक करीब 1400 सहायक प्राध्यापकों की रिक्तियों के लिए साक्षात्कार करके उनके चयन की अनुशंसा कर देगा। यह सहायक प्राध्यापक में हिंदी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मैथिली, पर्यावरण विज्ञान आदि विषयों से संबंधित होंगे। फरवरी 2023 तक सभी 52 विषयों के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोग ने तय कर लिया है। यह कार्यक्रम बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की अध्यक्षता में आयोग की एक अहम बैठक में निर्धारित किया गया है। दरअसल शीर्ष अफसरों की इस बैठक में विश्वविद्यालयों की सर्वाधिक जरूरतों के हिसाब से विभिन्न विषयों के साक्षात्कार का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने बताया कि हिंदी, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे अधिक रिक्तियों वाले विषयों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया अंतिम दौर में है। पटना में अभी हर ओर पार्किंग की समस्या है। कई बार तो लोगों को जगह नहीं मिलती है, जिसके चलते वो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें फाइन भी देना पड़ता है, तो कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन जाती है। इन तमाम कमियों को दूर करने की कवायद निगम की ओर से शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। 37 जगहों पर लोगों को यह सुविधा मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी परियोजना में राजधानी पटना शामिल है। इसी क्रम में शहर को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से पटना नगर निगम ने स्मार्ट पार्किंग के लिए एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है। 3 महीने के अंदर सभी 37 पार्किंग स्थल को स्मार्ट बनाने का टारगेट एजेंसी को दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक सितंबर तक लोगों को स्मार्ट पार्किंग की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके निर्माण से शहरवासी अपने वाहन को राजधानी के किसी भी हिस्से में पार्किंग आसानी से कर सकेंगे। जानकारों का कहना है कि अगले माह तक पहला स्मार्ट पार्किंग जोन तैयार हो जाएगा। इंटीग्रेट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी 37 जगहों को एक ऐप से जोड़ा जाएगा। इससे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर पार्किंग खाली है, वहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप पार्किंग में मंथली, वीकली प्लान भी बुक कर सकते हैं। अभी रेट तय नहीं हुआ है, इसके लिए कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कहा गया है कि पुराने पार्किंग शुल्क के दर पर ही यह सभी सुविधाएं मिलेंगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी सेहत से जुड़ी ताजा अपडेट के अनुसार लालू प्रसाद अब CCU यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर आ गए हैं। लालू यादव को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू यादव को ऑक्सीजन सपोर्ट या CCU में मौजूद मेडिकल सुविधाओं की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव की लगातार कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रही है, जिसमें वे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं तो कभी अपने कमरे में वॉक करते दिख रहे हैं। लालू यादव अब हल्की डाइट भी लेने लगे हैं। फिलहाल उन्हें ऐसे डाइट लेने की सलाह दी गई है जो आसानी से पच सके। ज्यादातर उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही है। इधर बिहार में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने से राजद का सदस्यता अभियान प्रभावित हुआ है। सदस्यता अभियान के करीब 7-8 दिन यूं ही गुजर गए। दरअसल राजद नेता की तबीयत खराब होने से राजद कार्यकर्ता और नेता सभी मायूस थे। अब राजद सुप्रीमो की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। ऐसे में राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सदस्यता अभियान को फिर गति दी है। 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए नियोजन इकाई वार रिक्तियों का आंकड़ा अभी तक जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिल सका है। जिलों को नियोजन इकाई वार रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी। ऐसे में जिला स्तर पर जिलाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलम्ब होने की आशंका है। विभागीय जानकारों के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय ने जिला पदाधिकारियों से रोस्टर क्लियरेंस करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की थी। इससे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में विलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई वार रिक्त पदों को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है। इसके लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद प्रदेश कार्यालय में आज महागठबंधन की बैठक हुई। सभी विपक्षी दल आज हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। महागठबंधन के सभी साथी महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुहर्रम को देखते हुए तिथि को बदला गया है। पहले प्रदर्शन का कार्यक्रम 9 अगस्त था, अब 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा के आगमन से लेकर चुनावी कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस विधायक शकील अहमद, माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा, पूर्व राज्य सचिव केडी यादव, भाजपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, भाजपा के राज्य सचिव ललन चौधरी, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता बैठक में शामिल हुए। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि नेताओं ने एक स्वर में यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन एवं वोट देने का फैसला लिया है।